अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजिया किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सोया चंक्स ग्रेवी या करी, अब जो भी कहेंगे। आइए चलिए बनाते हैं हम। अभी सोया चंक्स की करी के लिए 3 प्याज, 4 या 5 हरी मिर्च, जैसा आप तीखा खाएंगे तो थोड़ा लीजिए तीखा, नहीं तो कम लीजिए, ठीक है। अदरक लहसुन थोड़ा 1 पीस अदरक, दालचीनी छोटी वाली दालचीनी, 3 लौंग, 3 इलायची, 1 कप दही, 1 छोटा बॉल सोया चंक्स और हरा धनिया या आप जैसा बोलते हैं कोथिमीर, 5 या 6 टमाटर। अभी बॉईल हो गया है पानी, आइए सोया चंक्स बॉईल कर लेते। अभी हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अभी हम सोया चंक्स इसमें डाल देंगे बॉईल के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा नमक डाल देंगे। थोड़ा सिरका या विनीगर जो भी आप कहेंगे वो, क्योंकि इसमें थोड़ा खटास रहेगी, थोड़ा नमक रहेगा तो सोया चंक्स हमारे अच्छे रहेंगे। 2 ढक्कन विनीगर जो भी आप कहते हैं वो, ठीक है। अभी इसको 10-15 मिनट तक बॉईल कर लेंगे हम, फिर दूसरा तल लेंगे वो जो भी है वो। अभी हमारा सोया चंक्स रेडी हो गया है, देखो पानी को अच्छे से सोक लिया है ये। अब 1-10 मिनट्स रख देते हैं उतार के, ठीक है। ऑफ कर देंगे इसको 10 मिनट्स के लिए। अभी पैन को रखी हूँ मैं, अभी हमारे मसालों को थोड़ा सा तल लेंगे। तलने के लिए अभी बिस्मिल्लाह 2 स्पून तेल डालेंगे, चम्मच। थोड़ा तेल गरम हो जाने दो। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है, इलायची कांदा या प्याज जो भी कहेंगे आप, आपकी जुबान में थोड़ा नरम होने देंगे, उतना ही, बहुत ज्यादा भी नहीं। थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको हम तल लेंगे। अभी ये अदरक भी लहसुन भी डाल लेंगे, हरी मिर्च भी इसमें ही डाल लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, उतना ही पका के ग्राइंड कर लेंगे, ठंडा होने दे के इसको ग्राइंड कर लेंगे, नहीं ग्राइंड मिक्सी में जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें टमाटर भी इसमें ही डाल लेंगे थोड़ा नरम होने तक। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए इसमें ही। इसको अच्छे से मिक्स करिए और थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए। ये सोया चंक्स की करी के साथ घी राइस भी अच्छा लगेगा और पराठे भी अच्छे लगेंगे,
आप ज़रूर टेस्ट कीजिए, बनाइए, टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब तो मैं घी राइस बना रही हूँ। आपको घी राइस का रेसिपी चाहिए तो कहाँ है परदी? डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए। नहीं घी राइस में भी अच्छा टेस्ट रहेगा और पराठे के लिए भी अच्छा टेस्ट रहेगा। ज़रूर से बनाइए, ज़रूर से टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ये सॉफ्ट हो चुका है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो इसको अभी ठंडा होने के बाद मिक्सी की जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अभी एक मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको पता चल रहा है ना, सही कर रही हूँ मैं? आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, तभी मालूम पड़ेगा कैसा बना, नहीं बना, नहीं फटी है। ज़रूर से कमेंट कीजिए। चलिए अभी मिक्सी में पीस लेते हैं। अभी हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है, देखो ऐसे पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे, देखिए इतना, दो चम्मच उतना, अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे ऑयल तो कम डाल लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा, हम तो ऑयल खा अच्छे से डालते हैं, आप जितना चाहिए उतना डाल लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अभी थोड़ा ऑयल को गर्म होने देंगे, ठीक है फदीन? हाँ मम्मी। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, एक स्पून ज़ीरा, थोड़ा हींग, बगार में हींग और ज़ीरा डाल लीजिएगा। वो होने के बाद अभी हमारे सूखे मसाले, थोड़ा हल्दी, एक स्पून धनिया का पाउडर, मिर्ची, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिएगा, अपना अपना स्वाद जैसा भी है। चंद लोग कम खाएंगे तेज नमक, एक स्पून डाली हूँ, देखो स्वाद के अनुसार ही बनाइएगा नमक और मिर्ची। अभी हमने पेस्ट बनाया था ना, उसमें अभी हमने जो पीस रखा था वो पेस्ट को डाल लिया है। पहले भी हम नमक डाले हैं, देख कर डालिए, थोड़ा बहुत डालिए। देखिए ऐसे ही अच्छे से हिलाइए, थोड़ा ये जार साफ करके पानी, थोड़ा पानी डाल लीजिएगा। अभी दही डालेंगे तो अच्छे से हलाना चाहिए, नहीं तो वो फूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। अच्छे से ऐसे हलाना चाहिए, अच्छे से कटोरी को साफ करके डालिए, वेस्ट मत कीजिए प्लीज, ठीक है। ऐसे अच्छे से हलाना चाहिए,
अभी हमारी करी तैयार है। अब इसमें हमें सोया चंक्स डालना है, ठीक है। पर दिन हाँ मम्मी हमारी ये करी या ग्रेवी जो भी बोलते हैं आप, वो उसमें चंक्स डाल के थोड़ी देर दम के लिए छोड़ देंगे तो रेडी हो गया हमारा सोया चंक्स करी, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़े कसूरी मेथी भी डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा डालिएगा नहीं तो कड़वा हट आ जाएगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारी ग्रेवी, कितना अच्छा लग रही है, नहीं प्रदीप कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी सॉरी 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 कितनी अच्छी लग रही है, नहीं हाँ ठीक है बहुत अच्छी। मेरी हिंदी थोड़ा डिफरेंट है, माफ कीजिएगा एडजस्ट करिएगा नहीं प्रदीप गलत हुआ तो माफी। अभी हमारी ग्रेवी रेडी, थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, नहीं पद्दी हाँ मम्मी बोलो बा दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में माशाल्लाह बहुत टेस्टी होगी, बहुत टेस्टी जरूर से आप बनाइए, कमेंट कीजिए, अभी भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स जरूर से कमेंट कीजिए। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई, थोड़ी 5 मिनट्स दम होने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच में। आंच धीमी हो गई, ठीक है दोस्तों। अभी देखो दम भी हो गया हमारा, सोया चंक्स की करी रेडी भी हो गई, देखिए अभी ऑफ कर देते हैं, ठीक है अब सर्व कर देते हैं। आइए लीजिए दोस्तों, अभी हमारी ग्रेवी सोया चंक्स की ग्रेवी रेडी हो चुकी है और उसके साथ घी राइस भी रेडी हो गया है। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।